हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो आज की वीडियो शुरू करते हैं इस पॉजिटिव से नोट पे। आज की वीडियो का टॉपिक है सजिटेरियस सोल ट्राइब, यानी कि सजिटेरियस सोल ट्राइब का जुलाई 2024 कैसा रहने वाला है, उनके लव लाइफ का क्या एस्पेक्ट रहने वाला है, उनकी ओवरऑल हेल्थ कैसी रहने वाली है, लाइफ में क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या गाइडेंसेस हैं उन लोगों के लिए, करियर का, फाइनेंसेस का क्या एस्पेक्ट रहने वाला है, साइकोलॉजिकल हेल्थ कैसी रहने वाली है, इमोशंस का क्या हाल रहने वाला है, और लव लाइफ एंड रिलेशनशिप मैंने पहले बोल ही दिया है, तो सब डिटेल में हम इस चीज़ में देखेंगे कि जुलाई का क्या एस्पेक्ट है। और आप बहुत लाइक करते हैं मेरी वीडियोस, टैरो की वीडियोस, एंड खासकर आप बहुत प्यार देते हैं अपना जोडियक की रीडिंग्स को, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारा प्यार और रिस्पेक्ट भी शो करते हैं। तो तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू बहुत बहुत अपना प्यार और अपना सपोर्ट। गाइस प्लीज़ ऐसे ही बनाए रखिएगा सो दैट मैं आप लोगों के लिए ना बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोज़ लेके आती रहूँ। और ये ना सजिटेरियस सोल ट्राइब आप लोगों की जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इसमें हर एक चीज़ ना हर एक इंसान के साथ सीधी सीधी ना रिजेंबल ना करें, आपको ना लगे, आप कनेक्शन ना बिठा पाएं हर एक चीज़ के साथ। तो आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितना आपको लगता है कि इस रीडिंग का पार्ट मुझसे जाना पहचाना लगता है, मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ या कनेक्ट कर पा रही हूँ, उतना ही आप रखिएगा गाइस, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। लाइक कीजिएगा, अगर रीडिंग अगर आपको पसंद आती है तो लाइक का बटन दबाइएगा और शेयर जरूर से कीजिएगा बाकी सजिटेरियस सोल ट्राइब के साथ। सो लेट्स सी क्या रहने वाला है। आई थिंक ये भी आना चाहता है। तो ये कार्ड्स हैं, इनसे हमें इनफ सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे कार्ड है द हैंग्ड मैन और पेज ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ कार्ड उल्टे हो गए हैं, ये गिर गए थे मुझसे ही, शायद वहां से कुछ कार्ड उल्टे हो गए हैं, बट हम रिवर्सल नहीं ले रहे हैं। द स्टार की एनर्जी है, फोर ऑफ कप्स है यहाँ पे, और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, टू ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, टेम्परेंस है, एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई मीन वाओ, दिस इज अ ब्यूटिफुल रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग है ये। इसमें से थोड़े से ही कार्ड नेगेटिव हैं, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा करियर में ग्रोथ मुझे दिख रही है जुलाई के मंथ में ना। आप लोग बहुत अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे अपनी लाइफ में ना, एंड आई थिंक आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे सारे के सारे, और बहुत ही प्यारी सी पॉजिटिव सी रीडिंग यहाँ पे होने वाली है। तो क्लेम कीजिएगा इस प्यारी सी पॉजिटिव सी रीडिंग को, और सबसे पहले हम निपटा लेंगे अपने नेगेटिव वाले कार्ड्स। इनफैक्ट जो नेगेटिव नहीं है, चीज़ें सेल्फ लिमिटिंग हैं, अगर आप इनको ठीक कर लेंगे तो हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ होके ही रहेगी, आपके फ्यूचर से बिलोंग भी नहीं करती है, ना ही जुलाई से ये बिलोंग करती है, ये ओवरऑल आपके साथ बिलोंग करती है। आपकी नेचर हो सकती है, ये आपके पैटर्न्स हो सकते हैं, ये आपकी आदत हो सकती है। बहुत बार कुछ ऐसी आदतें हम कैरी करते हैं जो हमें सर्व नहीं करती है, सर्वाइवल में हमारी हेल्प नहीं करती है, हमारे सर्वाइवल को हिंडर करती है कहीं ना कहीं, तो ये उसी में से एक है। और जहां तक मैं ये देखूं, आपका थॉट पैटर्न है, आप इस तरह से सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों में ना, एक हमारी साइकी में ना ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट, अगर आप ड्राइव करते हैं तो आपको पता होगा कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ठीक है। अगर आप ड्राइव नहीं करते हैं तो कैसे समझाऊं, ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसी चीज होती है ड्राइविंग में भी और साइकी में भी हमारी, की चीज तो सामने ही होती है बट वो हमें दिख नहीं रही होती है, या हम उसे साइकोलॉजिकली बोले तो देखना चाह नहीं रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी आंखों पे बंधी हुई पट्टी ये बताती है मुझे कि कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, कुछ रिश्ते हो सकते हैं, कुछ आपके फैसले हो सकते हैं, कुछ लाइफ सिचुएशन ऐसी हो सकती है आपके आसपास जिसको, जिसके साथ ना आप कन्फ्रंट करना नहीं चाहते हैं, बिकॉज यू नो दैट कि ये बहुत पेनफुल होने वाला है।
कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ पास्ट के ट्रोमा होते हैं, पास्ट लाइफ के, चाइल्डहुड के ट्रोमा होते हैं, कुछ हॉन्टेड मेमोरीज होती हैं, कुछ रियलिटीज़ ऐसी होती हैं हमारे लव्ड वंस के बारे में, हमारी लाइफ के बारे में, हमारी लाइफ रियलिटी के बारे में और हमारी लाइफ में लिए गए डिसीजंस के बारे में, कि हमें पता है कि वो बहुत पेनफुल होगी अगर हम उन्हें कन्फ्रंट करेंगे, तो हम कन्फ्रंट ही नहीं करते हैं और आप करना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपके फेवर में नहीं आती हैं, क्योंकि जो जैसा है उसको आप वैसा देखना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दिख नहीं रहा है, ये आँख की पट्टी आप हटा सकते हैं और कभी भी देख सकते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन में भी आप लोगों की दिक्कत हो सकती है, कि आपके दो विचार हो सकता है कॉन्ट्राडिक्ट्री हों, आप लोगों की दो इच्छाएँ एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट्री हो सकती हैं, और आप दो लोगों के बीच में बटे हुए हो सकते हैं बहुत बार, कि इसको सपोर्ट करूं, इसको सपोर्ट करूं। लव लाइफ में भी हो सकता है आपके पास दो ऑप्शन हो, कि लव मैरिज करूं कि अरेंज मैरिज करूं। ये भी हो सकता है कि दो इंसान हो आपकी लाइफ में और फाइनल कमिटमेंट किसको देनी है, उसमें वो सारे लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन जो है ना, ये आपकी एनर्जी में ही है, ये आपके लाइफ पैटर्न्स बने हुए हैं, तो इससे बाहर आने की आपको ज़रूरत है। और यहाँ पे है, तो अगर आपने इस कार्ड से अपनी नेचर के साथ रेजोनेट किया है, तो इट मीन्स इट रीडिंग, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, और आप इसके साथ आगे कैरी ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हैंग्ड मैन का कार्ड है, अगेन सिचुएशन इज़ नॉट फेवरेबल, योर पास्ट इज़ नॉट फेवरेबल, फेवरेबल तो नहीं है, बट एनी हाउ यू आर सर्वाइविंग। तो ये होता है सर्वाइवल वाला कार्ड, की सिचुएशन पैथेटिक है, बट एनी हाउ वी आर सर्वाइविंग, वी आर नॉट ग्रोइंग, वी आर नॉट लेटिंग गो, वी आर नॉट मूविंग ऑन, बट एनी हाउ वी आर सर्वाइविंग। तो आप लोग सर्वाइव कर रहे हैं, एक फ्लरिश नहीं कर पा रहे, एक होता ना कि जिंदगी को काटना, नॉट जीना, नॉट इंजॉय करना, तो वो चीज़ हुई हुई है। तो जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी, आप इसे देखेंगे, ये आपकी उस टाइम की कंडीशन हो सकती है कि जिंदगी कट रही है, चल नहीं रही है, दौड़ नहीं रही है, एंजॉयमेंट नहीं है लाइफ में, और सेटिस्फेक्शन नहीं है, और शिकायतें ही शिकायतें हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड गाइडेंस के रूप में आया है कि जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है सोल ट्राइब को, तो जिस भी भगवान को आप मानते हैं, किसी गुरु को मानते हैं, जिसमें भी आपका विश्वास है, तो आप जो है उसमें मन लगाएं, थोड़ा सा भगवान पे चीज़ों को छोड़ें, थोड़ा सा लेट गो करें चीज़ों को। अब ये लेट गो किया हुआ है इसने, कहीं ना कहीं अनफेवरेबल सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं खुशी ढूंढ लेना, जो चीज़ें मुश्किल हैं उनके साथ भी अच्छे से टाइम निकाल लेना, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए गाइडेंस में आया है। और यहाँ एक और कार्ड है जो बताता है कि फिलहाल ना आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल काफ़ी हो सकता है, आप किसी भी चीज़ को लेके एट प्रेजेंट फ्रस्ट्रेटेड हैं। ये आपकी ग्रोथ हो सकती है, आपका करियर हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो भी है ये मामला जो है दिल का ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि कप्स का कार्ड आया है। यहाँ पे कोई हार्ट ब्रेक्स हो सकते हैं आपके, कोई रिलेशनशिप्स के ब्रेकअप्स हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी कुछ लोगों के केस में हो सकता है। बट यहाँ पे जिसे कहते हैं कि फ्रस्ट्रेशन बहुत है, कंप्लेंट्स बहुत हैं एक दूसरे के साथ, और रिलेशनशिप में भी काफ़ी है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी काफ़ी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। और एक होता है ना कि दो लोगों एक दूसरे को प्यार तो करते हैं, बट एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, वो चीज़ भी है। और दो लोग एक दूसरे के साथ तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन है। ये मिसकम्युनिकेशन वाला कार्ड भी होता है, क्योंकि दो तलवारें खींची हुई हैं कहीं ना कहीं, और तलवारें कहीं ना कहीं हमारी ज़बान को दिखाती हैं कि हमारी ज़बान कैसी है। तो कहीं ना कहीं आपकी लड़ाइयाँ जो होती होंगी वो मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से काफ़ी होती होंगी। तो यहाँ पर ये भी आपकी एनर्जी में ही आया है कि फ़िलहाल होपलेस हो जाना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, थक जाना, हार जाना, कोशिश ना करना, सेल्फ डाउट से भर जाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस का कम हो जाना, और एक डाउट आ जाना, ट्रस्ट इश्यूज हो जाना दूसरे के साथ ना, किसी के साथ भी जेल ना करना, चिल ना मारना, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और लाइफ में जो है उसको भी नहीं देखना, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का एस्पेक्ट बन जाता है। भगवान ने जो इतना कुछ दिया हुआ है उस पर भी ध्यान ना देना, और शुक्रगुजार बिल्कुल ना होना, तो इस तरह की भी आपकी चीज़ें अभी हो सकती हैं। बट यहाँ पे आपकी एनर्जी में इम्प्रूवमेंट है, और कहाँ से मैं बताऊँ कि इम्प्रूवमेंट शुरू होगी, तो जुलाई में काफ़ी आपकी एनर्जी में इम्प्रूवमेंट है। एस ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे जो टू ऑफ सोर्ड्स था, जहाँ दो कॉन्ट्राडिक्ट्री विचार, कॉन्ट्राडिक्ट्री इच्छाएं थी, वहीं पे ये कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड्स का, कि एक ही सोर्ड हो गई है। एस ऑफ सोर्ड में एक सोर्ड होती है, बाकी सोर्ड्स के कार्ड में सोर्ड्स बढ़ती रहती है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे अगेन ये
एस ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि वन, तो वन को हम एस बोल देते, तो एक, तो जो दो इच्छाएं थी कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिलेगी। और ये देखिए सीढ़ियां है ना, ये आपकी साइकी को दिखाया है यहाँ पे, आपके मन को, तो ये मन की सीढ़ियां हैं, तो कहीं ना आप मन की सीढ़ियों में नीचे 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 जाते जाएंगे, एक मन की तह में जाके देखेंगे कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। और जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, जो दो राहे पे आप खड़े हैं, जो दो इच्छाओं के बीच में, दो लोगों के बीच में कन्फ्यूज्ड हैं, जो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है और कुंठित हैं आप, तो वो कुंठा भी खत्म होगी क्योंकि आप एक डिसीजन पे पहुंच जाएंगे। जुलाई आपको ना एक बहुत अच्छा मंथ बन के जाएगा कि आपको किसी ना किसी चीज में क्लैरिटी देगा कि आप डिसीजन ले पाएंगे। दो में से एक इंसान को आप चुन पाएंगे अपने लिए, दो में से एक को आप छोड़ पाएंगे कि हाँ माँ बाप की मर्जी से ही शादी करनी है तो ठीक है, इट्स ओके। और वो डिसीजन आप बहुत सोच समझ के प्रेसिजन से लेंगे, किसी प्रेशर में नहीं लेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये सबके लिए अच्छा है। और अगर आप ये डिसीजन लेते हैं कि नहीं, पेरेंट्स को ही मनाया जाएगा, मुझे अपनी मर्जी से ही शादी करनी है, तो वो आपको फलेगा, फिर वो आपके लिए है। बट कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं होगा कि आज आपने इंपल्सिव वे में ले लिया, क्योंकि आपने बहुत सोच समझ के वो डिसीजन लेना है। आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नया बिजनेस कर सकते हैं, जॉब छोड़ सकते हैं, नया बिजनेस कर सकते हैं, अपने जॉब से बिजनेस में शिफ्ट हो सकते हैं और बिजनेस में पार्टनरशिप्स डाल सकते हैं, कुछ भी नया करने का, नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, तो आप उस फैसले के लिए पछताएंगे नहीं, वो फैसला आपको फलेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स में ना एक भगवान अपने हाथ से आपको तलवार पकड़ा रहे होते हैं, जो टिपिकल कार्ड्स होते हैं उसमें इस तरह से दिखाते हैं, तो इट मीन्स ये भगवान की तरफ से आया हुआ एक आशीर्वाद है। जो भी डिसीजन आप करेंगे ना कि मुझे ये करना है, हमें लगता है ऐसा है कि हम कर रहे हैं, पर जो डिसीजन आप लोगे, जो चीजें आपके सामने आएंगी, जिन दो चीजों में आप फंसे हुए थे, आप एक को चुन पाओगे, तो ये कहीं ना कहीं भगवान की ब्लेसिंग है आपके लिए। और जब हम भगवान की ब्लेसिंग के हिसाब से चलते हैं तो फिर हमें पछताना नहीं पड़ता, ये बात सबको क्लियर है। तो एक तो ये चीज क्लैरिटी मिलेगी, जुलाई आपके लिए ना क्लैरिटी बहुत लेके आएगा। एक है टेम्परेंस का कार्ड भी साथ में ही आया है। अब जो लोग हैं, क्योंकि इस कार्ड के थ्रू मैंने बताया है कि आप लोग शादी करना चाहते हैं या किसी एक फैसले पे पहुंचना चाहते हैं कि माँ बाप के हिसाब से करूँ या अपने हिसाब से करूँ, अरेंज मैरिज करूँ, लव मैरिज करूँ, इससे शादी करूँ या उससे शादी करूँ, तो ये जो शादी होगी ना आपकी, अब आप कैसे करेंगे शादी, किसके साथ करेंगे, नहीं करेंगे, ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है। पर जो शादी होगी वो चाहे लव मैरिज है लेकिन ट्रेडिशनल वे में होगी, और आप में से बहुत लोगों की अरेंज मैरिज के योग यहाँ पे ज़्यादा बन रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ पे मन बनाएंगे कि अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करके देख लेते हैं, ठीक है, उन्हें चांस देते हैं, तो ये ट्रस्ट करके देख, काफी लोगों का मन बनेगा जुलाई में कि हाँ जैसे पेरेंट्स कह रहे हैं वैसे कर लेते हैं। आप फैमिली बिजनेस को भी आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं, आप ट्रेडिशनल वे में ही काम करेंगे जहां भी करेंगे, तो वो जो बहुत एक चीज रहती है ना कि खुद को प्रूव करना और एडमिंट रहना और अपने हिसाब से चीजें करना, उसमें आपको राहत मिलेगी, ठीक है। तो ये राहत हर तरह से आपको मिलेगी और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से शादी होगी, ये ट्रेडिशनल घर में शादी होगी आपकी, चाहे आप लड़की हैं चाहे लड़का है, ट्रेडिशंस को आप फॉलो करेंगे, तो अपने घर के जो ट्रेडिशंस होते हैं ना, चाहे वो बिजनेस में है, शादी में है और चीजों में है, सब जगह मुझे आप ना ट्रेडिशंस फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आया है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत है, और फोन्स की एनर्जी बहुत होने का मतलब होता है कि करियर का ज्यादा पकड़ रही है ये रीडिंग, करियर को ज्यादा आगे लेके जा रही है। तो ऐसी चीजें भी हो सकती हैं कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है क्योंकि कि यहाँ पे, और किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है साथ में, तो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, यानी कि फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एस्पेक्ट बैलेंस रहेंगे। और टेम्परेंस का कार्ड भी अगेन दिखाता है बैलेंस को ना, कि बैलेंस है वहां पे, और मतलब इमोशनल एस्पेक्ट को और फाइनेंशियल एस्पेक्ट को, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लाइफ की कहीं ना कहीं आप बैलेंस आउट करेंगे, पैशन के साथ काम करेंगे, खुशी मिलेगी आपको काम करके, आपकी एनर्जी भी इम्प्रूव होगी, आपकी सेहत भी इम्प्रूव होगी, बाउंड्रीज बनाएंगे आप। और ये वाली क्वीन ना सोशल होती है काफ़ी, सोशल बटरफ्लाई भी बोलते हैं इसको, तो आप सोशली भी काफ़ी इवॉल्व होंगे, आप सोशली लोगों पे जो आपके ट्रस्ट इश्यूज थे वो ठीक होंगे, सेल्फ डाउट से आप बाहर आएंगे, अपने इंट्रोवर्जन से बाहर आएंगे, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होंगे, थोड़ा एक्सपेंशन है। वॉन्ड्स के कार्ड जब भी आएंगे आपको एक्सपेंशन देते हैं, आप अपने नेटिव प्लेस से बहुत दूर भी जा सकते हो, रिगार्डिंग जॉब एंड रिगार्डिंग ऑल, आपकी शादी बहुत दूर हो सकती है, आपकी शादी ये भी हो सकती है कि किसी दूर देश में हो जाए, ठीक है, किसी NRI से आपकी शादी हो, या हो सकता है कि आप NRI हैं और शादी करने के लिए आप इंडिया में विजिट करें, किसी भी वजह से आप बाहर से इंडिया भी आ सकते हैं, इंडिया से
बाहर भी जा सकते हैं, इंडिया में ही रहते हुए अपने नेटिव प्लेस से काफ़ी दूर जाते हुए मुझे रिगार्डिंग स्टडीज, रिगार्डिंग मैरिज, रिगार्डिंग जॉब, ठीक है, जो भी आपका पर्टिकुलर है वो आप देखिएगा। बट एक्सपेंशन जब भी होता है तो वो यही है, ट्रैवल को भी दिखाते हैं। ट्रैवल आप किसी ना किसी वे में करेंगे, आप टूरिंग जॉब भी कर सकते हैं, आपको अपनी जॉब के रिगार्डिंग ट्रैवल करना पड़ सकता है, आपको इस तरह का जॉब मिल सकता है कि पैन इंडिया लेवल पे या स्टेट लेवल पे आपका काम है, तो फ्रीक्वेंटली आपको हर जगह हर हेड ऑफिस में जाके जो है रिपोर्ट करना पड़े, तो इस तरह की चीजें भी हैं। और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी साथ में ही आया है, साथ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये भी हो सकता है गाइज, ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, शादियों के बहुत योग हैं, सोलमेट के आने के बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, न्यू लव के आने के भी हैं, रोमांस के भी हैं, और हालांकि कार्ड्स उस तरह के नहीं हैं बट उस तरह से पिक हो रहा है यहाँ पे कि इस तरह का है कि दो कार्ड्स का एक साथ आ जाना, तो कहीं ना कहीं एक मिलन तो है किसी भी तरह का, तो मिलेंगे तो आप सही, चाहे आपकी शादी हो जाए, चाहे आपकी इंट्रोडक्शन हो जाए, आपके रोके हो, चाहे चाहे कुछ भी हो, बट रिलेशनशिप किसी ना किसी फॉर्म में यहाँ पे डेवलप हो रही है। ये आपके बिजनेस पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, और अगर आप लेडी हैं तो ये आपके बिजनेस पार्टनर की या ये आपके लाइफ पार्टनर की, आपके बेस्ट फ्रेंड की, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। बट कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलेगा अपोजिट जेंडर में। अब अपोजिट जेंडर का मतलब हमेशा यही नहीं है कि इंटीमेसी वाले रिलेशनशिप ही हैं। अगर आप लेडी हैं तो ये आपके जो हैं आपके ब्रदर भी हो सकते हैं, ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, ये आपके फादर, फादर इन लॉ, घर के बड़े बुजुर्ग, जो घर के जो होते हैं मेन मुखिया, वो ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह की मैस्कुलिन एनर्जी जो आपको करियर में ग्रोथ देगी, ठीक है। और अगर आप एक जेंट्स हैं तो ये आपकी वाइफ की एनर्जी हो सकती है, आपकी सिस्टर की एनर्जी, आपकी मदर की एनर्जी भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मतलब अपोजिट जेंडर एक दूसरे को सपोर्ट करेगा जुलाई में, आप मतलब किसी भी तरह से करियर में आगे बढ़ेंगे, कोई भी सपोर्ट, चाहे सही सलाह ही मिल जाए आपको, आपका स्पाउस एक सही सलाह दे दे, आपको आपकी मदर या आपके फादर से कोई सही सलाह मिल जाना, बहुत बड़ा इन लॉज बहुत अच्छे से गाइड कर देते, तो उस तरह का है यहाँ पे। ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं उस तरह की चीजें, और बड़े कॉन्फिडेंट वे में और बड़े बैलेंस्ड वे में और बड़े प्रिसाइज वे में आप मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और ये मशाल इसके हाथ में इसीलिए दिखाई हुई है कहीं ना कहीं कि ये इसके अंदर के जो चक्राज है ना, उनकी एनर्जी है कहीं ना कहीं कि सारे चक्राज हील हो रहे हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि आपकी हेल्थ में भी अगर कुछ इश्यूज थे छोटे मोटे, और साइकोलॉजिकल हेल्थ तो आपका काफी इम्प्रूव हो ही जाना है। और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन एक ऐसा एनर्जी फील्ड होता है कि जो अब मैच्योर हो रहा है एक बीइंग ना, एक बीइंग एक राजकुमार जैसी चीज होती है, पेज पेज के जितने भी कार्ड्स होंगे, लाइक एक राजकुमार है जो अब एक युवराज बन गया है और राजा बनने की तैयारी में है, तो मैच्योर हो रहा है, स्किल्स सीख रहा है, स्किल्स को डेवलप करने वाले ही कार्ड होते हैं। तो आप पैसा बनाने का हुनर सीखेंगे, किसी भी तरीके से आप उस राह पे चलेंगे कि आपको पैसा बनाना आएगा, आप बिजनेस में ग्रो करेंगे, आप बिजनेस आइडियाज लेके आ सकते हैं, नए बिजनेस आइडियाज पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ढेर सारी इस तरह की चीजें रहती हैं। और यहाँ पे एक शो ऑफ के एस्पेक्ट से बाहर निकल जाना, पैसे को सेव करना, पैसे की अहमियत को समझना, और पैसे को बनाना, पैसे को बढ़ाना, पैसे को इन्वेस्ट करना, इन सब चीजों की भी बातें आती हैं जब भी पेज ऑफ पेंटिकल आता है। तो पैसे की कोई कमी नहीं रहने वाली है, पैसे को कमाने का कोई नया जरिया, कोई नया विचार, कोई प्लानिंग, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको जुलाई में जरूर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हाँ, चार पैसे बनाने का आपको आइडिया आएगा। और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है अगेन, तो वॉन्ड्स के कार्ड इतने हैं कि यहाँ पे ना कॉम्पिटिटिव विन्स है आप लोगों के लिए। अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आने वाला है, तो आपके फेवर में काफी हद तक आने की संभावना है, और बहुत एनर्जेटिक आप फील करेंगे, बहुत पैशनेट फील करेंगे, आपकी हीलिंग होगी, आपके चक्रास की हीलिंग होगी, आपको ओवरऑल अच्छा लगेगा। जो मैंने बोला था कि आप जिंदगी को जी रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जिंदगी को जिंदा दिली के साथ यहाँ पे जीना शुरू कर देंगे, खुश रहेंगे, आपके आसपास का माहौल भी हल्का फुल्का रहेगा, आप उसे हल्का फुल्का रखने की कोशिश करेंगे, और काफी अच्छे से एंजॉयमेंट का मुझे दिख रहा है कि जुलाई एक एंजॉयमेंट आप लोगों के लिए लेके आ रहा है कि हाँ, एंजॉयमेंट आप कर सकेंगे। और घूमने फिरने का है तो आप अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ पार्टीज, घूमना फिरना, लाइफ को एंजॉय करना, ठीक है, इस तरह की शॉपिंग वगैरह करना, इस तरह की चीजें भी करते हुए मुझे यहाँ पे काफी आप नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे इस कार्ड को मैंने जानबूझ के ही आखिर में लिया है, क्योंकि ये बोनस कार्ड होते हैं, इनको आखिर में पढ़ के ना मजा आता है। तो यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, तो 17 नंबर से 8 नंबर का कार्ड
अगर इसको मैं देखूँ 17 से 8 आता है, तो कहीं ना कहीं बहुत मेहनत की है आप लोगों ने, पास्ट में भी बहुत मेहनत की है। साइलेंट वर्कर हैं आप लोग, आप जल्दी जल्दी बताते नहीं हैं, किसी को जताते नहीं हैं कि आप कौन हैं, क्या हैं, क्या आप कर सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ है। और सजिटेरियस सोल ड्राइव वैसे भी काफ़ी पैशनेट है, वर्कोहोलिक है और जुनूनी है, जुनून है इन लोगों के अंदर, काम कर लेते हैं, वर्क डन इनको आता है, काम को कैसे करना है और कैसे करवाना है और कहाँ पे कितना एग्रेशन दिखाना है वो भी सोल ट्राइब को पता है। और हर किसी के साथ आप जेलअप नहीं हो सकते, हर किसी के साथ आपकी एनर्जी मैच नहीं होती है। तो यहाँ पे यही है कि स्टार की एनर्जी अगेन यही बताती है कि किसी तरीके से छा जाना, मतलब कहीं पे छा जाना, जैसे जॉब में कहीं छा जाना, कुछ आप ऐसा काम करेंगे अपने जॉब में, अपने करियर में, अपनी फैमिली लाइफ में भी कर सकते हैं कि एक बार ना जिसे होता ना कि चर्चा का विषय बन गया वो इंसान, तो अच्छे अच्छे वे में, गलत वे में नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई फालतू की वीडियो वायरल हो गई आप लोगों की और आप छा गए, नहीं ऐसा नहीं है, अच्छे वे में, तारीफ के वे में ना, मतलब हर कोई ना आपसे कुछ सीखना चाहेगा, आप जैसा बनना चाहेगा, आपको ना कॉपी करना चाहेगा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करेंगे आप लोग ना। और ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि आप स्टडी में, करियर में सक्सेस कुछ इस तरह से आपको मिलेगी कि हर कोई ना आपको कॉल वगैरह करेगा, पूछेगा कि भैया, दीदी, भाभी, ये आपने कैसे किया, मुझे भी बताओ, मुझे भी आपकी हेल्प चाहिए। तो इस तरह से है। और स्टार, स्टार से आप क्या समझ, तारा, तारा जिसको आप देखते हैं, जो आपकी आंखों में चुभता भी नहीं है, ठीक है, आप उसको पकड़ भी नहीं सकते हैं, बट आपको वो अच्छा बहुत लगता है, फैसिनेटिंग बहुत लगता है, आपका भी मन करता है। तभी तो जितने भी सेलिब्रिटीज हैं तो उनको भी बोलते हैं कि स्टार्स हैं, सितारे हैं, भाई वो सेलिब्रिटी ही काफ़ी है, उनको स्टार और सितारे बोलने की क्या जरूरत पड़ी। इसीलिए कि सितारे इसीलिए बोला है कि लोगों की वहां तक पहुंच नहीं है, लोगों को वो फैसिनेट तो करते हैं, अच्छे तो लगते हैं, लोग उनके जितने भी ट्रेंड्स हैं उनको फॉलो भी करना चाहते हैं, बट लोग वो बन तो नहीं सकते ना। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान आप जुलाई में कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ आप ऐसा गेन करेंगे कि भाई लोगों, लोग आपको बिना एक सेलिब्रिटी जो स्टेटस होता है वो मिलेगा डेफिनेटली। और यहाँ पे गाइज मैं ना और आप लोगों के लिए आप लूँगी, भगवान भोलेनाथ से हम ले रहे हैं गाइडेंसेस। तो भोलेनाथ का कार्ड आया है, बीइंग पोलाइट का कार्ड आया है, तो आपका ना सोर्ड्स के एस्पेक्ट काफ़ी आए हैं, सोर्ड्स। और मैंने बोला भी था कि कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग ना आपकी मिस कम्युनिकेशन होती होगी, यानी कि क्योंकि आप, अब सोल ट्राइब जो है ना गर्म तासीर होती है ना, गर्म खून वाले, जैसे कि लियोस हैं, सेजिटेरियस हैं, तो ये हैं भाई, तो हैं, इनको जल्दी गुस्सा आ जाता है, टेम्परामेंटल इश्यूज इनको हैं, तो हैं, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यही बोल रहे हैं भगवान भोलेनाथ भी बोल रहे हैं कि बींग पोलाइट हो जाइए, मतलब ना थोड़ा सा तमीज़ के दायरे में रह के बात करिए, और क्या बोलूँ मैं इसको, बीइंग पोलाइट यानी कि नरमी से बात करिए, थोड़ी जो गर्मी है ना, गर्मी से जो बात करते हैं उसको नरमी में पेश आइए, और ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड हैप्पीनेस विद योर वर्ड्स ऑफ माउथ। और हमें ऐसा लगता है कि हमारे वर्ड्स ऑफ माउथ ना ऐसे ही हैं, और हमें कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी चलता है, कुछ भी नहीं, बट कहीं ना कहीं लाइफ में आज हम जो भी है ना अपने वर्ड्स ऑफ माउथ की वजह से ही हैं। बहुत बार हम कुछ कह नहीं पाते हैं, वो भी एक गड़बड़ है, बहुत बार हम जरूरत से ज़्यादा कह जाते हैं, वो भी एक गड़बड़ है। तो बींग पोलाइट एंड प्रेसाइज इन योर कम्युनिकेशन, ये तो मैं भी आपको बोलूँगी। एक ना एक इंसान हर इंसान को अपने फेवर में कर लेता है, आर्ट ऑफ आर्टिकुलेशन से, बातचीत के तरीके से। मैं पीपल प्लीजिंग की बात नहीं कर रही हूँ, बट जेन्युइन जो एक होता है ना, जेन्युइन कॉन्फिडेंस से बात करना, एक जेन्युइन वे में बात करना, पोलाइटली प्रिसाइजली बात करके ना आप लोगों को जीत सकते हैं अपनी लाइफ में। बहुत बहुत बड़ी जो पावर होती है ना वो आपके पास ही है, आपके कम्युनिकेशन के रूप में। यहाँ पे आदि योगी का कार्ड आया है, एम्बार्किंग ऑन दी पाथ ऑफ योगा। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ना ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेल्थ की भी और साइकोलॉजिकल हेल्थ की भी, जो कि योगा जिसमें काफ़ी हेल्प करता है। हम में से बहुत सारे लोग ना बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारी बीमारियों के लिए ना एकदम से दवाइयों पे आ जाते हैं, दवाइयों से वो बीमारियां ठीक भी हो जाती हैं, ऐसी भी बात भी नहीं है कि नहीं होती हैं, बट क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद दवाई जैसे ही छोड़ी फिर वो प्रॉब्लम हो गई, या कोई और प्रॉब्लम हो गई, या उससे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ये भी बहुत बार देखा गया है, या बार बार रिलैप्स हो रही है कोई चीज़, वो इसलिए कि हमारा जो एनर्जी फील्ड है, हमारा जो बॉडी है, इम्यूनिटी है, वो वीक हो गई है। तो कहीं ना कहीं योगा इस चीज़ में बहुत पार्ट प्ले करता है। तो आप आसन, व्यायाम, योगा, प्राणायाम, ये सब कर सकते हैं। और अब टाइम आ गया है कि आप अपनी लाइफ में ना, अब यहाँ पे
योगा को इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, योगा की प्रैक्टिस करें, इससे आपको ना फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल तीनों लेवल की वेल बीइंग फील होती है, ठीक है। तो योगा को अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से लेके आइए। डेस्ट्रॉयर का कार्ड आया है, मेजर चेंज है, जो मैं भी परसीव कर रही हूँ कि जुलाई में आप लोगों के लिए ना कोई ऐसा चेंज आएगा जो आपको हो सकता है उस टाइम समझ में भी ना आए, लेकिन 4-6 महीने बाद या 2-4 साल बाद आपको समझ में आए कि यार 2024 में ना जुलाई वाला मंथ आया था, उस टाइम पे तो ऐसे ऐसे चीज़ें हुई थी, लेकिन बाद में समझ में आया कि हाँ यार उन चीज़ों की वजह से ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई थी, या एक ऐसा बड़ा फैसला मैंने लिया था, ठीक है। और ये जो फैसला है शुरू में आपको बहुत मुश्किल लग सकता है, ऐसा भी लग सकता है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, आउट ऑफ कंफर्ट जोन ये लेके जाएगा, बहुत बहुत आपको डिस्टर्ब भी कर सकता है किसी वे में, क्योंकि मैंने बोला है कि आपकी ट्रांसफ़र वाली जॉब हो सकती है, आपके ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, तो इसमें चैलेंजिंग भी हो जाता है बहुत बार, और कोई भी चेंज सबसे पहले ना चैलेंज ही लेके आता है अपने आप में। तो डिस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है कि पुराने पैटर्न को तोड़ देना और नए पैटर्न को बनाना, और नए पैटर्न को बनाने के लिए भी पुराना पैटर्न तोड़ देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चेंज चाहे आपको जितने मर्जी नागवार नज़र आए, बट ये आपकी लाइफ में ना हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, ये सब चीज़ें लेके आएंगे। हलाहल पॉइजन है, सेक्रीफाइस का कार्ड आया है, तो कुछ भी ऐसी कोई सिंपल सी चीज़ भी हो सकती है, बड़ी चीज़ भी हो सकती है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी फॉर्म में ना आपको सेक्रीफाइस करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पे डिमांड करेगा जुलाई के मंथ में। हो सकता है यूनिवर्स आपको बोले कि आप अपनी नींद का थोड़ा सेक्रीफाइस करें, हो सकता है कि आप ज़्यादा सोते हों, तो आपको अगर काम में आगे बढ़ना है, ग्रोथ चाहिए, बिजनेस करना है, तो भाई हो सकता है आपको अपनी नींद थोड़ी कम करनी पड़े, आपको अपने आलस का सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, अपनी कंफर्ट जोन का सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। तो इस तरह के सेक्रीफाइस ना आपको करने पड़ सकते हैं, और अपने लिए और अपने ग्रेटर गुड के लिए और अपनी फैमिली के ग्रेटर गुड के लिए हमें वो सेक्रीफाइसेस करने भी चाहिए। अब यहाँ पे है यू आर गुड इनफ, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको ना किसी को कुछ बताने की, समझाने की और किसी से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन हैं, क्या हैं, किस चीज़ में आप कैपेबल हैं। बहुत बार हम इसी चीज़ में पड़े रहते हैं कि सामने वाला हमें वैलिडेट करके दे कि हम ये हैं और हम ये नहीं हैं। तो आपके लिए सिंपल सा यहाँ पे है कि यू आर गुड इनफ, बस ये आपको ही जानना है, किसी को प्रूव नहीं करना है, किसी ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ना है आप लोगों को। एंड यहाँ पे है वर्क थ्रू योर फियर्स, कुछ भी फियर्स हो सकते हैं, लाइक आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाना हमारा एक बहुत बड़ा फियर होता है, अपनी हिम्मत से डिसीजन लेना, अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। आमतौर पे ना तो हम डिसीजन लेना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि डिसीजन लेने के बाद जो आउटकम आएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे लिए ही है, तो वो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मोस्टली लोगों का ये रहता है कि वो फॉलो कर लेते हैं किसी को, किसी से सलाह ले लेते हैं, उसकी सलाह से चलने लगते हैं। बट यहाँ पे ना आपको अपने उन फियर्स पे काम करना है, और उन उनसे दूर, उनको बोलते हैं ना डर के आगे जीत है, तो वही है आप लोगों के लिए कि डर से एक बार गो थ्रू हो जाइए, उसके आगे जीत है। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट आप लोगों के लिए ना, यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक चॉइस दे रहा है कि इधर भी विन है, इधर भी विन है, तो जो दो चॉइसेस के बीच में आप फंसे हुए हैं, आप जो भी डिसीजन लेंगे, आपको जो भी अपील करेगा, तो वहां पे मैंने बोला ही था पहले भी कि जो भी डिसीजन आप लेंगे, ऐसा नहीं है कि घर वालों के साथ ही जाना है। अगर आप ये डिसीजन लेंगे कि मुझे शादी करनी है अपनी मर्जी से, तो घर वाले आपके साथ हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप जाते हैं घर वालों के साथ कि ठीक है पेरेंट्स की मर्जी से शादी करता हूँ, तो वो रिलेशनशिप आपके लिए फ्रूटफुल होगा। दोनों वे में कहीं ना कहीं विन विन आउटकम आप लोगों के लिए जुलाई में है। तो कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं, तो जुलाई इज द मंथ, बहुत अच्छा यहाँ का एनर्जी मुझे फील हो रहा है कि जो भी करना चाहेंगे कर पाएंगे। एंड डू नॉट लेट प्राइड गेट इन योर वे, और होता है, मैंने नाम लिए हैं, लियोज हैं, सजिटेरियस हैं, जितने भी फायर साइन वाले, हमारे फायर एलिमेंट वाले साइंस हैं ना जोडियक वाले, उनमें थोड़ा सा रहता है प्राइड का एस्पेक्ट, और अपनी वीकनेसेस को स्वीकार करना, अपनी रियलिटी को स्वीकार करना कोई बुरी बात नहीं है। तो यहाँ पे यही है कि हाँ, दैट एस्पेक्ट इज विद इन यू, एवरीबडी नोज, बट उसको अपने रास्ते में नहीं आना है, आने देना है। और प्राइड जब भी बीच में आता है तो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ को ही रोकता है, तो अपनी ग्रोथ को थोड़े सा रोकना है गाइस। ओ वाओ, यहाँ पे तो भाई आपको पूरा पूरा आशीर्वाद है एंजल से भी कि रोमांस है। हालांकि रोमांस वाले वैसे कार्ड नहीं आए थे, पर हर कार्ड इस तरह से, इस वे में मैसेज दे रहा था कि हाँ, रोमांस का एस्पेक्ट काफी ज्यादा है।
तो रोमांस है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है, किसी भी वे में, जिस भी वे में आप चाहते हैं, आप अपनी रोमांटिक लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इम्प्रूवमेंट इज देयर, आप एक नया रोमांटिक साइकिल शुरू करना चाहते हैं, किसी और के साथ ही एक नई जर्नी शुरू करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। अगर आप कहीं ना कहीं एक रोमांस ढूंढते हैं अपनी लाइफ में और नहीं पाते हैं तो हाँ, उसकी कमी को पूरा किया जाएगा जुलाई के मंथ में। एंड नो है, अगर कोई चीज़ आपके मन में रही है थ्रू आउट दिस रीडिंग जिसका आपको आंसर चाहिए था कि ये करूँ या ना करूँ, उसमें नो आ गया है कि नहीं, नो। और आगे है आस्क योर एंजल्स, और अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिली है किसी चीज़ की कि ये नो किसके रिगार्डिंग आई है, तो आप मेडिटेशन करके या जिस भी गुरु भगवान को मानते हैं उनसे पूछ सकते हैं कि ये नो किस रिगार्डिंग आई है। अगर मैं ऐसे परसीव करना चाहूँ कि ये नो किस रिगार्डिंग आई है, तो मैं यही परसीव कर पा रही हूँ कि आपने इस रीडिंग में थ्रू आउट जो भी सोचा है, एक प्रॉब्लम को मन में रख के आपने अगर कोई सवाल पूछा है कि मुझे इस रीडिंग से इस सवाल का जवाब चाहिए था, तो उसका जवाब ना है कि नहीं, तो वहाँ से अपना मन हटा लें और एक नई पारी अपनी शुरू करें, एक नई लाइफ अपनी शुरू करें। एक नया मंथ है, एक नई एनर्जी है, भरपूर इसका उपयोग करें और आगे बढ़ें अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में। ऐसी मेरी आप लोगों के लिए कामना है। और गाइस, ये रीडिंग यहाँ पे ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और बहुत बहुत सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रखिएगा। एंड गाइस, अगर आप कोई हैं जो मुझसे कोई कंसल्टेशन चाहते हैं, क्योंकि टैरो की रीडिंग्स के अलावा मैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की रीडिंग्स भी करती हूँ, क्रिस्टल्स में भी, क्रिस्टल्स हीलिंग एंड ऑल, वो सब मोडेलिटीज़ में काम करती हूँ, मोबाइल नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन, क्योंकि नेम्स में भी बहुत बार बहुत सारी गड़बड़े होती हैं, कोई शुभ मुहूर्त आप चाहते हैं शादी के लिए या कोई चीज़ परचेज करने के लिए, प्रॉपर्टी नंबर, व्हीकल नंबर, इस तरह की चीज़ें, और बहुत सारी आप कंपैटिबिलिटी जानना चाहते हैं कपल्स की, या जिनकी शादी होने वाली है उनकी कंपैटिबिलिटी आपस में है नहीं, मैच मेकिंग वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो सब में मैं डील करती हूँ। तो मेरा एक नंबर रहता है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, वो मेरी टीम का नंबर है, वो मेरा नंबर नहीं है, और वहाँ पे ना कॉल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। सो अगर आप कॉल करेंगे तो आपकी कॉल पिक नहीं करता है कोई वहाँ पे, तो आप प्लीज़ से मैसेज कीजिए। मैसेज में ये रहता है, हमारे पास थोड़ा सा एक लिबर्टी रहती है कि आपने मैसेज किया तो हम 4 घंटे बाद भी उसको देखेंगे तो जवाब दे पाएंगे, कॉल्स में ये पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। तो कॉल्स मत कीजिए, सिर्फ मैसेज कीजिए, हाय हेलो भी चलेगा, आप वो मैसेज डाल दीजिए, वहाँ पे टीम फर्दर से आपको गाइड कर देगी। सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।